नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शेखर, सिलेक्टेड कैंडिडेट इन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैच 2020, और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल सिलेक्शन मेंटर पर, जहां पर हम आप सभी के साथ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमटी यानी मैनेजर के लिए इंटरव्यू की सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज हमारा सेकेंड वीडियो है। हालांकि मैंने पहले वाले वीडियो में कुछ बेसिक्स बताया था इंटरव्यू का, एंड मैंने आप सभी के साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को भी डिस्कस किया था, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। ओके, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा कि एक क्वालिफाइड कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन अराइज किया है कि एमएसपी कैसे किसी किसान को डिस्ट्रेस सेल से बचाती है। बड़ा सिंपल सा आंसर है, डिस्ट्रेस सेल से कोई उसको बचा नहीं सकता, उसका खुद किस्मत ही डिस्ट्रेस सेल से बचा सकता है। ठीक है, हाँ, अगर कीड़े मकोड़े ना लगे उसके मतलब अनाज में, तो उसी से डिस्ट्रेस सेल से वो बचेगा। बट यस, एमएसपी डिस्ट्रेस सेल के कारण जो हानि किसान को पहुंचती है, जो पैसे की कमी पहुंचती है, जो लॉस पहुंचता है किसान को, उस लॉस या उस पैसे की कमी से एमएसपी बचाता है। ठीक है, डिस्ट्रेस सेल से नहीं, लेकिन डिस्ट्रेस सेल के इफेक्ट से बचाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक किसान हूं, मैंने 100 किलो गेहूं या 100 किलो चावल या 100 किलो दाल ही मैंने अपने घर में स्टोर किया कि भैया मैं कल जाऊंगा और मार्केट में उसको बेचूंगा ताकि मुझे उसका प्राइस मिले। अब मुझे भी पता है कि भैया मार्केट में चलो एक किलो गेहूं की या चलो एक किलो चावल की ही जो प्राइस चल रही है वो 30 रुपये पर केजी चल रही है। यानी मैं एक किलो चावल को बेचूंगा तो 30 रुपये मुझे मिलेगा, और मेरे पास 100 किलो चावल है तो मैं 100 किलो को बेचूंगा तो मुझे 3000 रुपया मिलेगा। इस लालच में किसान बड़ा खुश होकर बेचने जाता है। बट बेचने जाने के पहले ही उसको पता चलता है कि यार मेरा 20 से 25 किलो चावल बर्बाद हो गया इंसेक्ट्स के कारण, रोडेंट्स के कारण, चूहे वगैरह इन सब के कारण वो बर्बाद हो गया। अब कितना वो बेच पाएगा, 80 किलो या 75 किलो? अब मेरा सवाल ये है कि क्या 75 केजी चावल को बेचने से या 80 केजी चावल को बेचने से क्या उसको 3000 रुपया मिलेगा? नहीं, उसको कम रुपया मिलेगा। तो इससे तो किसान की हानि हुई ना, इससे तो किसान को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ना। तो इसी प्रॉब्लम की भरपाई, इसी हानि की भरपाई कौन करता है? एमएसपी। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है कि किसी भी क्वालिटी का ग्रेन किसान लेकर के आए, खराब क्वालिटी का हो या अच्छा क्वालिटी का हो, ठीक है, या इवन जितना क्वांटिटी वो बेचने जा रहा था, ठीक है, जितना क्वांटिटी वो बेचने जा रहा था उतने भी क्वांटिटी को लेकर के आए या ना आए, लेकिन जो दाम, ठीक है, जो दाम फिक्स कर देती है किसान के लिए सरकार, वो दाम उसको मिलता ही मिलता है। क्योंकि होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी जो किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि उसको उसके प्रोड्यूस के लिए राइट प्राइस नहीं मिलता। मतलब जितना वो उपज करता है, जितना वो उगाता है, उतना उसके हिसाब से उसको दाम नहीं मिलता। जितनी मेहनत वो करता है उसके हिसाब से उसको दाम नहीं मिलता। तो इसमें मदद कौन करता है? एमएसपी। तो एमएसपी डिस्ट्रेस सेल से होने वाली हानि को बचाने के लिए एमएसपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि कौन सा मीडियम इंटरव्यू में सही रहता है, इंग्लिश या हिंदी कोई मैटर करता है? भैया कुछ नहीं करता, मैं 3-3 इंटरव्यू में गया हूं, इंग्लिश हिंदी कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, कुछ मैटर नहीं करता। ये इंग्लिश वाला जो किस्सा है वो केवल साउथ जोन के लिए ही लिमिटेड है, बाकी किसी भी जोन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसे रूम में इंटर करोगे वो सीधा हिंदी में स्टार्ट करते हैं, या मान लो अगर इंग्लिश में ही स्टार्ट किए और आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में आंसर देने में, आप सीधा बिना हेजिटेशन के सीधा बोलो कि यस सर मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई सामने जो बंदा बैठा है वो बेचारा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, वो फिर हिंदी में पूछना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको उनसे पूछने की भी आवश्यकता नहीं है कि सर क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, नहीं, आप बिना पूछे ही बोलो, कोई मैटर नहीं करता। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि रूम में कैसे इंटर किया जाता है एंड इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अगले आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा और भी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज इंट्रोडक्शन कैसे देना है एंड इंटर कैसे करना है, देखो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद 3-4 कैंडिडेट्स करके एक साथ ले जाए जाते हैं, बिकॉज आपका जो एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू का, उसमें लिखा रहेगा कि आपकी इंटरव्यू किस पैनल नंबर पे है, ठीक है, किस पैनल नंबर पर है। उस पैनल के गेट के बगल में ले जा करके उन 3-4 बच्चों को बैठा दिया जाता है एक ऑर्डर में। तो जो बच्चा गेट के बगल में सबसे क्लोज में बैठता है वो बच्चा बेल बजने पर, याद रखना जैसे ही अंदर से बेल बजा इट मीन्स कि आपको बुलावा आ रहा है,
बिना किसी से पूछे सीधा जाओ। बेल बजा तो जो सबसे सट के बैठा है वो बच्चा सबसे पहले जाएगा, फिर जब वो आएगा तो उसके बगल में जो बच्चा बैठा है वो फिर जाएगा, फिर जब वो आएगा तो उसके बगल में जो तीसरा बच्चा बैठा था वो फिर जाएगा। ये होता है प्रोसेस। अब रूम में इंटर कैसे करना है? आप दरवाजा खोलो। देखो बहुत लोग कहते हैं दरवाजा हल्का खोलो, बहुत लोग कहते हैं दरवाजा पूरा खोलो। यार उसका इसका कोई मतलब ही नहीं होता। आप कैसे भी दरवाजा खोलो ना, बट एक जेंटल पर्सन की तरह खोलो, ठीक है ना। ये नहीं कि लात मार के खोलना है, आराम से पकड़ो, आराम से खोलो। खोलते हुए ही मैं क्या करता था, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं खोलते हुए ही देख लेता था कि भैया कितने मेंबर्स अंदर में बैठे हैं जो मेरा इंटरव्यू लेंगे। बिकॉज बच्चा इसको देखता नहीं है, बच्चा जैसे ही जाके कुर्सी में बैठता है सामने देखता है, अरे यार 5 मेंबर्स हैं, अरे यार 6 मेंबर्स हैं, घबरा जाता है। ये घबराहट ना हो इसलिए मैं यही करता था, गेट खोलते हुए ही मैं देख लेता था इतने मेंबर्स हैं, और देखते हुए ही मैं पूछता था मे आई कम इन सर। उसमें ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि मे आई कम इन मैडम या मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, ऐसा पूछो सीधा मे आई कम इन सर। वो सीधा बोले हाँ प्लीज कम इन, यस कम इन। जैसे ही अंदर जाओ उनको देखते हुए गेट को ऐसे पीछे मत लगाना, ठीक है, गेट की तरफ ही मुड़ो, गेट को अच्छे से लगाओ। लॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कुंडी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगाओ उनके तरफ फिर मुड़ो एंड जेंटल पर्सन की तरह चल के उनके पास जाओ। याद रखना वहां पर एक मैम जरूर होंगी, एक मैम तो कम से कम होंगी। सबसे पहले उनको विश करो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, देन गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर या गुड इवनिंग सर, ठीक है। एंड जब इंटरव्यू लेने के बाद वो बोल देंगे ठीक है थैंक यू अब आप जा सकते हो, तो जाने के समय भी थैंक यू मैम, सबसे पहले थैंक यू मैम, देन थैंक यू सर। कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि भैया आते समय जब कुर्सी पर बैठो तो बाएं तरफ से बैठो और जाने समय जब उतरो माने निकलो तो दाएं तरफ से निकलो, ये कोई लॉजिक नहीं, ये महाफालतू लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड ये भी याद रखना कि उन 5-6 मेंबर्स में एक मेंबर आपके सपोर्टिंग के लिए जरूर रहते हैं एंड वो मिडिल में बैठे हुए रहते हैं, याद रखना वो मिडिल में बैठे हुए रहते हैं। एंड जब आप उनके पास जाओगे ना वही हाथ आगे करेंगे, अच्छा ठीक है आपका नाम है, अच्छा ठीक है आप ही वो हो, ओके ओके बैठिए बैठिए, एंड सबसे पहले वही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं एंड देख लेना कि उनका नेचर आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। बाकी तो जितने मेंबर्स होते हैं वो क्वेश्चन लपेटेंगे, इतना याद रखना। हो गया, अब रही बात इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली आजकल नहीं पूछा जाता, क्लियरली बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट अगर पूछ लिया जाए तो भैया मुझे क्या बोलना है, कभी भी अगर इंट्रोडक्शन पूछे काफी शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो, जितना ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन खींचोगे उतना ज्यादा वहां से क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। सीधा बोलो, फॉर एग्जाम्पल, सर आई एम मयंक शेखर, आई एम एन एग्रीकल्चर इंजीनियर एंड आई एम वेरी यूजफुल फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, काम खत्म। एंड जैसे ही आप क्लेम करोगे भैया मैं यूजफुल हूँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, तो आपसे पूछेंगे ठीक है चलो आपने क्लेम किया तो आप बताइए तो क्या कंट्रीब्यूशन करोगे, कैसे अच्छा रोल प्ले करोगे वहाँ पे, तो कैसे बताना है ये अब आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। बस हो गया, कैसे रूम में इंटर करना है, उनको विश करना है, फिर वो सीट पे बैठने बोलेंगे, फिर अगर इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो कैसे देना है, काम खत्म। जो 2 क्वेश्चन अराइज हुए थे उसका आंसर मिल चुका होगा अच्छे तरीके से। सो हैव अ गुड डे एंड बाय।